सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम दुख के भेदों में चौथे भेद पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु क्रूस को ढोते हैं और इसके लिए हम आज वचन पढ़ेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 14 से आगे। पास्का की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के समारा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया और वे ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में इसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने ईसा को और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इन वचनों पर मनन करते हुए इसमें क्रूस उठाने के लिए ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखा है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया में जब हम क्रूस यात्रा करते हैं उसमें क्रूस ढोने की बहुत सारी स्टेजेस पर मनन चिंतन किया गया है। हम लोग उन पर मनन चिंतन ना करके उसको हम अलग से हम वे ऑफ द क्रॉस में मनन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आज ये महत्वपूर्ण बात है कि यीशु ने क्रूस क्यों उठाया, यीशु ने क्यों क्रूस उठाया। क्या वो क्रूस सीधा कलवारी पहाड़ पर चढ़ाया जा सकता था और यीशु वहाँ पर पैदल चाके जा सकते थे? लेकिन नहीं, उनको वो क्रूस उठाना था। वो क्रूस, शायद आपको उसका वजन का एहसास नहीं, वो करीब उसका जो क्रॉस बीम था उसका वजन ही 100 पाउंड था, करीब 45 किलो उसका क्रॉस बीम का वजन था और करीब 300 पाउंड यानी 135 केजी पूरा क्रॉस का वजन था। इतना भारी क्रूस उठा करके ले जाना, वो भी पहाड़ी के रास्ते। अगर आपने यरूशलेम गए होंगे तो पूरा वो पहाड़ी तक नीचे से जाना पड़ता है, पूरा पहाड़ी तक वो क्रॉस करते, इतना वो सारी मतलब पूरे यरूशलेम में घूमते हुए सब जगह से वो रक्त को मानो पूरी सिंचाई करते हुए रक्त के द्वारा वो वहाँ पर पहुँचते हैं। इतना भारी क्रूस उठाने का मतलब क्या था? यहाँ पर फिर हम पढ़ते हैं नबी की भविष्यवाणी, ईसाया नबी की भविष्यवाणी। वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है ईसाया 53 पद संख्या 6, वहाँ पर लिखा है, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला। हम सब के पापों का भार वो क्रूस पर लाद करके वो जाते हैं। हम सोचते हैं शायद पाप तो भारी नहीं होता, पाप तो भारी नहीं होता क्योंकि हम रोज पाप करते हैं, इसीलिए हमको कभी भारी लगता भी नहीं, कभी भी भारी नहीं लगता, लेकिन वजन है उसमें। तभी प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे पापों का भार अपने ऊपर उठा करके ले गया। और इस चीज को संत पेत्रुस भी कहते हैं अपने पत्र में, पहला पेत्रुस 2:24 में वह लिखा, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। यहां पर एक और चीज ऐड करते हैं कि वो यीशु जो है हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए जिससे हम पाप के लिए मृत हो जाएं, पाप के लिए मृत हो जाएं और धार्मिकता के लिए जीने लगे। प्यारे भाई बहनों, पेत्रुस भी उसी चीज को दोहरा रहा है, आखिर वजन कहाँ है? पाप में वजन है। मत्ती 11:28 में भी हम पढ़ते हैं 28:29 में कि जो भी तुम बोझ से दबे हुए लोगों थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन इस संसार में प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम पाप करते हैं हम कभी भी पाप का बोझ को महसूस नहीं करते। इसको समझाते हुए साधु सुंदर सिंह बतलाते हैं, जो गोताखोर होता है, गोताखोर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके वो गोता मारता है समुंदर में और मीलों नीचे चला जाता है, उसको पानी के वजन का एहसास नहीं होता, कभी एहसास नहीं होता। उसके ऊपर इतना सारा पानी है, टनों होगा, मनो होगा, कितना हम अंदाजा नहीं लगा सकते, मीलों तक उसके ऊपर पानी है, लेकिन उसको कभी बोझ का एहसास नहीं हो। लेकिन जब आदमी पानी से बाहर निकल के आता है तब
पानी को, एक बाल्टी भी हम जब उठाने की कोशिश करते हैं पानी पानी भर के, तो हमें वेट का एहसास होता है। इसलिए साधु सुंदर सिंह बताते हैं, जब तक हम पाप में जीवन जीते हैं हमें कभी भी पाप के बोझ का एहसास नहीं होता, लेकिन जब यह बोझ उतर जाता है तब पता चलता है कि हम कितने हल्के थे और आज तक कितना वजन उठा करके चल रहे थे। मैंने खुद एहसास किया इस चीज का, जब मैंने पहली बार एक अच्छा पाप स्वीकार किया, पुरोहित के सामने मैंने कम से कम 10 पेजों का पाप लिखते गया और वो देने गया। जब देने गया तो मेरे को वो लग रहा था बहुत बड़ा बोझ है मेरे सर पर, मैं इसको क्या करूं। तब मुझे पता चला इधर पाप स्वीकार संस्कार होता है एंड यू कैन कन्फेस योर सिंस। तब मैं पाप स्वीकार करने के लिए जैसे गया तो आधा घंटा मैं वहां पर था, और जैसे ही एब्सोल्यूशन किया गया, पुरोहित जो है पाप मुक्ति का प्रार्थना बोलते हैं, और वो प्रार्थना के बाद तुरंत सारा बोझ हट गया। सारा जितना भी बोझ था मेरे ऊपर, वो पापों का बोझ जो मैं लेके घूम रहा था, सारा बोझ उतर गया। प्यारे भैया, यीशु ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया और उसको मरने दिया, अपने आप को मरने दिया, ताकि हम भी पापों के लिए मृत होकर यीशु के लिए जिंदगी दी। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आज प्रभु से विशेष प्रार्थना करें इसके लिए कि जब भी ऐसे दुख तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं, जीवन में कई और कष्ट आते हैं, उसको हम स्वीकार करें। इसलिए यीशु ने बोला था, जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वो अपने आप का इनकार करें और डेली प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। क्रूस यीशु की एक आवश्यक शर्त है उसके पीछे। और कई बार हम सोचते हैं कि यीशु के ऊपर हमने विश्वास कर लिया, हमारे पापों को यीशु ने ले लिया, पापों से हमें मुक्ति मिल गई, अब हमें क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी भी यीशु ने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया चेलों को। और आप जानते हैं यीशु के सारे चेले दुख उठा करके जिए। सबसे पहले स्टीफन ने पत्थरवा करके उसको मारा गया, और जितने भी यीशु के 12 चेले थे उसमें से एक को छोड़ करके सभी शहीद बने, और उनके जीवन में दैनिक कष्ट थे, दैनिक एवरी डे दे हैव टू बियर सम क्रॉस फॉर द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम के कारण वो अपमानित होते हैं, यीशु के नाम के कारण वो जेल में जाते हैं, यीशु के नाम के कारण बहुत तरह तरह के कष्ट होते हैं। और पौलुस तो अपने कष्टों को बयान करता है, बोलता है मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए, बेंतों से पीटा गया, और कई बार उसको पत्थरवा किया गया, कई बार उसको मरा छोड़ करके चले गए, कई बार उसका जो जहाज था वो ऐसे हवा में उड़ता रहा, तूफानों का सामना करता था, कई कई रात तक वो सूरज नहीं देखते थे, ऐसे संकट में वो लोग चले। प्यारे भाई बहन, यीशु का क्रूस जब हम अपनाते हैं यीशु को, तो यीशु के क्रूस में भी हम सहभागी बनते हैं, ताकि हमारे इस क्रूस के द्वारा यीशु अनेकों को मुक्ति दे। कुलिसियों 1:24 में हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा वचन है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमें तकलीफों से प्रभु नजात देता है, जब कष्ट आता है तो हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन ये कुलुसियों 1:24 में पौलुस खुद कहते हैं, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं उसके लिए मैं प्रसन्न हूं। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरी करता हूं। और इसकी टिप्पणी में लेखक ने अच्छा से समझाया है कि सुसमाचार का कलीसिया के निर्माण के साथ जो है संबंध है सीधा। तो जब कलीसिया का निर्माण होता है तो कलीसिया रूपी जो शरीर है उसको कष्ट उठाना पड़ता है। कष्ट शरीर किसका है? यीशु का शरीर है। तो कलीसिया कष्ट भोगती है, और कष्ट कलीसिया के साथ कौन भोग रहा है? यीशु खुद भोगते हैं। जब पौलुस अत्याचार करता था तब यीशु ने उसको दर्शन दिया और पूछा कि साउल साउल तो मुझ पर क्यों अत्याचार करता है, मुझ पर। पौलुस अच्छी तरह जानता था कि वो यीशु को मैंने कभी देखा नहीं, उस पर कैसे अत्याचार कर सकता। लेकिन
पौलुस अच्छी तरह समझ गया कि यीशु की कलीसिया को अत्याचार करना मतलब यीशु के देह पर अत्याचार करने के बराबर है। जो भी हम कष्ट भोगते हैं हमारे साथ यीशु भी भोगते हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मा में है, हमारे साथ वो कष्ट भोगते हैं। जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो क्या हम हमारे शरीर को कुछ कष्ट होता है? हमारे मरे हुए शरीर को कुछ भी कर लो, जला दो, गाड़ दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होता। यीशु हमारे आत्मा में रहकर हमारे साथ कष्ट सहता है और यही हमारे लिए महिमा का कारण बनते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज इस भेद पर मनन करते हुए विशेष कृपा मांगे प्रभु से। प्रभु जब भी कभी मेरे जीवन में कुछ कष्ट आता है, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, जब भी क्रूस उठाने की बारी आती है प्रभु, तो मैं उसके लिए हाँ बोलूँ, हाँ बोलूँ, क्योंकि यीशु ने भी, आपने भी यीशु सिमोन की भी सहायता स्वीकार की। हमें भी सिमोन के समान अपना कष्ट, अपना क्रूस उठाने में हमें भी सौभाग्यशाली बनाए।